Good morning, students. So, students, in today's class, we discuss page number 32 of our book, chapter name Environmental Threats. इस चैप्टर के अंदर हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को काफी खतरा है, जिनसे हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरमेंट को थ्रेट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टू सेव द एनवायरमेंट वी नीड टू बी अवेयर एंड मोर कंसर्न्ड. अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें उसके प्रति जागरूक, अवेयर होना पड़ेगा और कंसर्न यानी कि हमें चिंता करनी पड़ेगी कि अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं. आर यू रेडी टू ज्वाइन द ड्राइव? आंसर दीज क्वेश्चंस टू फाइंड आउट. देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द कैटेगरी ऑफ केमिकल्स रिलीज्ड बाय मेनी डिओड्रेंट्स दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर. हमें उन केमिकल्स का नाम बताना है जो डिओड्रेंट से, यानी कि जो परफ्यूम हम डिओड्रेंट यूज करते हैं उनसे वो निकलता है और जो अर्थ ओजोन लेयर को यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर को हार्म करता है, काफी नुकसान पहुंचाता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. ओके, आप साइंस में भी CFC के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो बड़ी तेजी से उसका डिप्लेशन हो रहा है, उसका उसमें होल हो रहा है. CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नेक्स्ट, ओवर विच कॉन्टिनेंट वॉज ए मैसिव होल इन द ओजोन लेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985. कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था 1985 के अंदर. एज यू ऑल नो, हमारी ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया है. ओजोन लेयर जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, उसके अंदर एक होल हो गया है. ठीक है, तो वो किस कॉन्टिनेंट के ऊपर हुआ था जिसको 1985 के अंदर डिस्कवर किया गया है? द करेक्ट आंसर इज एंटार्क्टिका. ओके, एंटार्क्टिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल लेड टू द भोपाल गैस ट्रेजडी 1984. सो स्टूडेंट्स, 1984 के अंदर भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजडी हो गई थी. ठीक है, जिसके अंदर एक केमिकल प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो गैस है, जो हार्मफुल गैस है, वो लीक कर गई थी, जिससे कि काफी लोगों की डेथ हो गई थी. सो 1984 के अंदर उसको भोपाल गैस ट्रेजडी के नाम से जाना जाता है. एक ट्रेजडी हो गई थी, कौन सी गैस की वजह से, किस केमिकल की वजह से? द करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनाइड. ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड, करेक्ट. नेक्स्ट, नेम द जापानीज सिटी वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल ट्रीटी वाज साइंड बाय 192 पार्टीज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. एक जापानीज सिटी है, यानी जापानी शहर का नाम है, जहां पर एक एनवायरमेंटल ट्रीटी 192 कंट्रीज के द्वारा एक एनवायरमेंटल ट्रीटी साइन की गई थी कि जो गैसेज हैं जिसका जिनका एमिशन हो रहा है, जो हमारे एनवायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए 192 देशों ने, 192 कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की थी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए. ठीक है, सो द नेम ऑफ द सिटी इज, द करेक्ट आंसर इज क्योटो, और उसका नाम दिया गया क्योटो ट्रीटी. ओके, क्योटो ट्रीटी. नेक्स्ट, SPM, comprising smoke, dust and vapor in the air, causes haze and leads to respiratory problems. What does the abbreviation SPM stand for? देखिए, SPM, जिसके अंदर smoke, dust particle, vapor, ऐसे कई सारे dust particles होते हैं जिनसे कि कई सारी respiratory problem हो जाती है. So हमें यहाँ पे SPM का नाम बताना है. काफी important term है, science के अंदर भी आपने ये जरूर पढ़ा होगा. सो द फुल फॉर्म ऑफ SPM इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज हिट बाई एन अर्थक्वेक इन 2011 दैट इनिशिएटेड ए सीरीज ऑफ सुनामी वेव्स एंड ट्रिगर्ड ए मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट. 2011 के अंदर एक बड़ा अर्थक्वेक आया था. ठीक है, हमें ये बताना है कि 2011 के अंदर ये अर्थक्वेक किस कंट्री के अंदर आया था जिससे कि एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई थी. ठीक है, जिससे कि एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो गया था. सो द करेक्ट आंसर इज जापान, जापान के अंदर ये अर्थक्वेक आया था. ओके, नेक्स्ट, विच गैस ट्रैप्स द हीट ऑफ सनलाइट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप द अर्थ एटमॉस्फेयर. हमें उस गैस का नाम बताना है, वो कौन सी गैस है जो हीट को और सनलाइट को ट्रैप करके रखती है और उसको एस्केप नहीं होने देती अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन विच सिटी वॉज द 2017 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 23 हेल्ड वेयर ए ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज नेगोशिएटेड। 2017 के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर एक ग्लोबल एग्रीमेंट यानी कि सब कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कि क्लाइमेट चेंज जिन गैसेस की वजह से हो रहा है उनकी एमिशन को बहुत ही कम किया जाए। सो ये किस सिटी के अंदर हुआ था 2017 में, हमें ये बताना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बॉन, BONN, बॉन जर्मनी का शहर है ये। ओके, बॉन इन जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल बाय फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर कॉल्ड। जो टॉप सॉइल है उसका जो टॉप सॉइल है उसका जो कटाव हो रहा है, जो टॉप सॉइल है वो खराब हो रही है नेचर के प्रोसेस की वजह से, जैसे कि विंड से या वाटर से। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ राइज इन टेम्परेचर नियर द अर्थ एट सरफेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफेयर कॉल्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपने साइंस में भी इसको पढ़ा है कि उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जिससे कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, किसकी वजह से? हार्मफुल गैसेस की वजह से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 32 ऑफ अवर बुक, चैप्टर नेम एनवायरमेंटल थ्रेट्स। सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके NTSC एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, so read it very carefully and learn these question answers. Okay, bye bye, take care.